आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। वैसे तो बीजेपी ने इस बार अपने कई सीटिंग एमपी के टिकट काटे हैं, लेकिन हर ओर से सिर्फ गांधीनगर सीट की ही चर्चा है, जहां से लाल कृष्ण आडवाणी की जगह पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को टिकट मिला है। बीजेपी की राजनीति के पितामह माने जाने वाले आडवाणी का टिकट कटने को लेकर न केवल पार्टी में हलचल है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर गांधीनगर सीट से आडवाणी का टिकट क्यों कटा। नंबर एक, कमजोर याददाश्त बनी वजह। 91 साल के लाल कृष्ण आडवाणी की याददाश्त बेहद कमजोर हो गई है। पुरानी बातें उन्हें अब ठीक से याद नहीं रहती। 16वीं लोकसभा में उन्होंने बतौर सांसद सदन की कार्रवाई में हिस्सा तो लिया, लेकिन वो चुप ही रहे। इतने नहीं, स्वास्थ्य कारणों के चलते बीते 4 सालों से उन्होंने खुद को सियासी गतिविधियों से भी दूर कर लिया था। टिकट कटने के पीछे उनका गिरता स्वास्थ्य एक बड़ी वजह बनी। नंबर दो, बेटी को उम्मीदवार बनाने से इनकार। खबरों की माने तो आडवाणी से खुद चुनाव नहीं लड़ने और अपने पसंद के उम्मीदवार को बताने के लिए कहा गया। प्रस्ताव में गांधीनगर की सीट से आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी को उम्मीदवार बनाने तक का प्रस्ताव हुआ, लेकिन आडवाणी ने कहा कि उन्होंने जीवन भर राजनीति में परिवारवाद का विरोध किया है। इसके बाद आडवाणी ने मंतव्य समझकर गांधीनगर से चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जाहिर की और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रधानमंत्री से मशवरा करके उम्मीदवार बदल दिया। नंबर तीन, 75 पार नेताओं को टिकट नहीं। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव में 75 साल की उम्र वाले नेताओं को टिकट नहीं देने का मन बनाया था, लेकिन 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को टिकट देने या नहीं देने के निर्णय में भी सबसे बड़ी बाधा आडवाणी ही थे। बीजेपी के लिए आडवाणी को क्रॉस कर पाना इतना आसान नहीं था। बीजेपी चाहती थी कि आडवाणी इसको लेकर खुद पहल करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूत्रों की माने तो खुद पीएम मोदी ने आडवाणी से उनके चुनाव लड़ने का जिक्र छेड़ा, लेकिन आडवाणी ने पहले कभी स्पष्ट जवाब नहीं दिया, जिसके बाद पार्टी को इस पर खुद फैसला लेना पड़ा। अब आडवाणी की पारंपरिक सीट पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही देश की सियासत के सबसे उम्रदराज नेता और बीजेपी के लौह पुरुष कहे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी की सियासी पारी का दी एंड हो गया। इंडिया न्यूज़ भारत की रिपोर्ट।